भगवान से एक बात की शिकायत है और कहीं ना कहीं भगवान अन्याय कर रहा है हम हिंदुस्तानियों के साथ। हमारे जो अच्छे लोग होते उनको अजीब टाइप से मार देता है। स्वामी विवेकानंद की रहस्यमय मौत हो गई, एपीजे अब्दुल कलाम क्लास ले रहे थे मर गए, होमी जहांगीर भामा का जहाज क्रैश कर गया, विक्रम साराभाई समुद्र के किनारे मरे पड़ गए, न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनको अजीब। लाल बहादुर शास्त्री किसानों के लिए जहर देके कोई मार दिया जो इंक्वायरी नहीं बैठी। राजीव हमारे जो ये क्या इनका राजीव दीक्षित जी आप कह सकते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद का एक रूप थे। जिस तरह से वो भारत की संस्कृति को ले जा रहे थे उनको रहस्यमय तरीके से मौत हो गई राजीव दीक्षित जी को, कोई जाना ही नहीं क्या हो गया यहाँ। तो कभी कभी एक चीज है, मरने के बाद हम सवाल पूछेंगे भगवान से कि क्या दुश्मनी थी आपको हमारे इस हिंदुस्तान से जिसने किसी जानवर को भी मतलब ऐसे नहीं किया। हम लोग तो सांप जिसे देख के कोई भाग जाता है उसे भी दूध पिलाते हैं। क्या दुश्मनी थी कि आप हमारे देश के इतने होनहार लोगों को अचानक उठा लिए? भगवान क्या जवाब देगा पता है? क्या जवाब देगा पता है? यार अच्छे लोगों की स्वर्ग में घट गई थी तो दुनिया में बाकी जगह अच्छे लोगों की कमी है तो कहां से उठाएं? तो हिंदुस्तान तुम्हारा मिल जाता है, उठा लेते हैं अच्छे लोगों को यहां से। क्या करेंगे यार, भगवान को भी नहीं समझ में आता, वो भी उठाए कहां से? पाकिस्तान से थोड़ी उठाएगा, उठा लेता है हमारे यहां से। लेकिन आज भी कमी है। राजीव दीक्षित जी जैसे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, वो हमारे ईश्वरचंद विद्यासागर, ऐसे लोगों की बहुत कमी है आज के देश में। आज के देश में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो देश के लिए मरते हैं। आजकल लोग अपनी पार्टी, अपनी धर्म, अपनी जाति, यही सब पे हो रहा है, लेकिन ये लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के उठ गए। राजीव दीक्षित जी को तो हमको लगता है मल्टीनेशनल कंपनी वालों ने मरवा दिया। वो हमको मतलब एक नहीं होता इंसान की फीलिंग, हमको लगता था कि ये किसी न किसी चीज के अवतार हैं जो मतलब समाज को इस तरह से सींच रहे थे, लेकिन अचानक उठा लिया भगवान ने, क्योंकि भगवान को भी कमी है अच्छे लोगों को, और उसको मिले कहां से? गलती से भेज दिया वो।